को हमारे आने की घोषणा तो करो। गुरुजी आ गए हैं। मूर्खो, इस प्रकार नहीं, उचित प्रकार से कहो, वैसे करो जैसे महाराज के आने की घोषणा होती है। सावधान, गुरुओं के गुरु, हमारे गुरु धन गुरु, महागुरु, राजगुरु, अंतर्यामी महाज्ञानी पंडित तथाचार्य जी। दूसरी बार घोषित किए गए विजयनगर के तत्कालीन महाराज दरबार में पधार चुके हैं। अवश्य अवश्य। तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की, तत्कालीन महाराज तथाचार्य की। पंडित रामाकृष्णा के उपस्थित ना होने से दरबार में कितनी शांति है। मंत्री जी। महाराज, हमारा आदेश, दरबार की कार्यवाही आरंभ की जाए। अवश्य महाराज। कौन दरिद्र है जो प्रातःकाल दरबार में समस्या लेकर आ गया? गुरुजी, कोई दरिद्र नहीं, रूप की धनी। ऐसा प्रतीत होता है कोई अप्सरा आ रही है। देखिए गुरुजी, मुंह मत फाड़िए, बंद कर लीजिए। आपका संजूब आपके चेहरे पर आ रहा है छिपाई। प्रणाम महाराज। महाराज, ये सुलोचना देवी, इनका कहना है कि इनके पति ने इनके साथ विवाह तो किया परंतु पत्नी का अधिकार नहीं दिया, ये न्याय चाहती। महाराज, हमारे पति ने हमसे विवाह तो किया है परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे साथ छल कर रहे हैं। कौन तुझ है जो ऐसी सुंदर नारी, पीड़ित नारी पर अत्याचार कर रहा है, उसे पत्नी का अधिकार नहीं दे रहा है? आमंत्री जी। महाराज, हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए उस पाखंडी को। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। ये गोपाल हैं, सुलोचना देवी के पति। आप इन्हें पत्नी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं मूर्ख? वो क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। एक और सुंदर स्त्री। हे भगवान, विजयनगर में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और हमारे भाग्य में वरुण माला ही लिखी थी। आपका नाम क्या है प्रिय? प्रणाम महाराज, मैं हूँ आरंभा और ये नहीं, मैं हूँ इनकी पत्नी। यदि आप इनकी पत्नी हैं, तो फिर ये महिला कौन? इनके एक हाथ में तो बर्फी और एक हाथ में लड्डू है। गुरुजी का हाथ खाली। बताइए ये कौन है? महाराज, ये मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको स्मरण नहीं, 2 वर्ष पूर्व उस पहाड़ी वाले मंदिर में मिले थे आप। उस दिन अत्यधिक वर्षा भी हो रही थी और आपने हमसे कहा था कि हम कितने सुंदर। एक के होते हुए दूसरी के साथ वर्षा में रास लीला मना चुका है ये। आपको स्मरण नहीं? और महाराज, तत्पश्चात उसी दिन हम दोनों ने उसी मंदिर में विवाह भी किया था। महाराज, ये हमारे स्वामी पे मिथ्या आरोप लगा रही है। हाँ हाँ महाराज, मैं इसे नहीं जानता। गुरुजी, ये गोपाल कुछ भयभीत सा प्रतीत होता है। लगता है ये आपसे कुछ छिपा रहा है। तत्कालीन महाराज, ऐसी दुविधा में तो पंडित रामाकृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। पंडित रामाकृष्ण का नाम मत लीजिए हमारे समक्ष, हम न्याय करेंगे। जी। हाँ, एलो। कितना विलंब कर दिया दूध लाने में, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी इसे गर्म करना है, तत्पश्चात हल्दी मिलाना है और फिर भास्कर को भी पिलाना है। पी लिया हुआ है क्या मुझे जो हल्दी वाला दूध पिलाओगे? हल्दी वाला दूध भास्कर को पिलाना है? अरे
इतने छोटे से शिशु को हल्दी वाला दूध पिलाना उचित होगा? कड़वा नहीं लगेगा उसे? वही तो, आप ही समझाओ बापू। अब तू मुझे सिखाएगा एक छोटे से बच्चे के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित? तू क्या ऐसे बड़ा हो गया? बापू को बड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी अम्मा, मुझे उचित प्रकार से बड़ा करके दिखाओ तो मैं मानूं। मुझे पता है मैं कैसे बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी लाठी खा खा के। अरे ओ शारदा महोदया, ये सब्जी भी ले जाओ ना। अले ले 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 ले। जिले भास्कर को सर्दी हो गई, भी ठीक हो जाएगी। ये आपकी पत्नी नहीं है ना? नहीं महाराज। सोच लीजिए। सोच लिया महाराज? पक्का? मैं इन्हें नहीं जानता महाराज। अच्छा ठीक। महामंत्री जी। महाराज दो हार मंगवाइए। जी वो हार? जी हाँ, दो हार आज अभी इसी समय सुलोचना देवी का विवाह इस दरबार में होगा। जी हम विजयनगर की किसी भी स्त्री को असहाय नहीं देख सकते। परंतु महाराज, अनायास इस प्रकार विवाह कैसे हो सकता है? पंडित की भी तो आवश्यकता है। महामंत्री जी, आप भूल रहे हैं, महाराज होने के साथ साथ हम पंडित भी हैं, महापंडित। इस विवाह को हम संपन्न करवाएंगे। आप हार मंगवाई। परंतु महाराज, विवाह के लिए एक वर की भी तो आवश्यकता होती है ना? आपसे कहा ना, दो हार मंगवाइए। जी, जो आज्ञा महाराज। बताइए कौन करेगा सुलोचना देवी से विवाह? ये बुढ़ा दरबार चला रहा है या सुनवर? हाँ मंत्री जी। जी हम? ये संभव नहीं महाराज, हम विवाहित है ना। एनी बनी। हाँ गुरुजी। तुम दोनों में से सुलोचना से कौन विवाह करना चाहेगा? हमारे तो भाग्य खुल गए। गुरुजी धन्यवाद। अच्छा ठीक है। अरे छोड़ो, मैं करूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। नहीं मैं डालूंगा। अरे ये वरमाला मैं डालूंगा। नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं मैं डालूंगा। ये वरमाला मैं डालूंगा। अरे नहीं मैं डालूंगा। मैं अपने हिस्से का आधा भोजन तुझे देता हूँ, लेकिन ये विवाह मुझे करने दे। मनी, मैं तुझे सारी स्वर्ण की मोहरे दे दूंगा जो मैंने पिछले महीने गुरुजी के यहाँ से चुराई थी, लेकिन विवाह मुझको कर लेने दे। मनी मैं करूँगा ना। अरे बंद कर। तुम दोनों में से कोई भी विवाह के योग्य नहीं है। मूर्ख हो तुम दोनों, चुपचाप यहाँ आकर खड़े हो जाओ। विवाह कोई क्रीड़ा नहीं है। इस स्त्री पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इसका कोई पति है। और हम महाराज होने के नाते विजयनगर की किसी भी स्त्री को असहाय नहीं होने देंगे। गंभीर विचार के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुलोचना देवी से विवाह हम करेंगे। महाराज आप? निवाला छीन लिया हमारे मुंह से बुड्ढे ने। रुक जाइए गुरुजी।
गुरुजी आपको आपको विवाह करने से पहले हमारी लाश पर से जाना होगा। उचित पहले मुझे दो, मैं देखूंगा दूध कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। हमने देख लिया है। मुझे फिर भी देखना है, भास्कर छोटा शिशु है ना। लो मुझे दो। कितनी हल्दी डाली है, कितना कड़वा है, भास्कर को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। दूध मिलाओ इसमें। और दूध कहां से? हम इसमें शहद मिलाकर लाते। ये हुई ना बात शारदा। हाँ जो शहद मिला के लाओ, इतना कड़वा दूध नहीं पिएगा भास्कर। लाओ मुझे दो। अरे कितना शहद मिला दिया है तुमने। अरे ये दवाई है, इसे सर्दी हुई है, अगर ये इसे पिएगा तो ठीक हो जाएगा। बुरा नहीं है, शहद से स्वाद उत्तम लग रहा है। देखा, इसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, कष्ट हो रहा है इसे। कोई कष्ट नहीं हो रहा, अब दीजिए हमें। अरे तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, रुला रही हो इसे। देख नहीं, ये दूध नहीं पिएगा, ये दूध नहीं पिएगा। सारा दूध गिरा दिया। अरे बापू को दरबार भेजो, सबको परेशान कर दिया है। ठीक क्या किया? ये लो। अब ये किस लिए? बच्चे को ओढ़ाने के लिए। किंतु ये तो कितना गर्म और मोटा है, भास्कर को गर्मी लगी तो? हर काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो? गर्मी ही तो चाहिए बापू। कंबल ओढ़कर उसका परीक्षण करूंगा, कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। अगर परीक्षण कर रहे हैं तो यहाँ नहीं कर सकते, जाइए कमरे में अंदर जाके कहिए। ये सत्य कहा। अरे अरे ये द्वार क्यों बंद कर दिया? अरे द्वार खोलो, बाहर निकालो मुझे। वो इसीलिए ताकि आप हमारे लिए और कष्ट ना बढ़ाए। अब आप भी शांति से रहिए और हमें भी शांति से रहने दीजिए। हैं? शांति से रहने दीजिए मतलब? बापू आप दूर रहिए, एक शिशु को उसकी माँ ही अच्छे से संभाल सकती है। क्या शांति से रहने दीजिए, द्वार खोलो अम्मा। ये शिवाजी गोपाल सत्य कह रहा हो, ये स्त्री असत्य कह रही हो, फिर तो हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा। नहीं महाराज, आप सुलोचना से शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैंने असत्य कहा था महाराज, सुलोचना भी मेरी पत्नी है, मेरी दूसरी पत्नी। इसका तात्पर्य हमारा कुछ नहीं हुआ। देखा कैसे पकड़ा गया ये चोर, मूर्ख व्यक्ति, दो दो स्त्रियों को भ्रमित कर रहे। लज्जा नहीं आती तुम्हें? यहाँ तो हमें एक पत्नी प्राप्त नहीं होती और इसके पास दो दो है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं,
इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं महाराज, इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम इनकी पहली पत्नी है। नहीं महाराज, इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए, हम भी इनकी पत्नी है। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी है। नहीं महाराज, हम इनकी पत्नी है, हमारे हमारे हैं। बस बस करो, दो दो स्त्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तुमने और इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलकर रहेगा। इस अपराध का दंड क्या होना चाहिए बताइए, इस अपराध का दंड क्या है? गुरुजी, ये दंड देने का प्रश्न पूछ किसको रहे हैं? अरे महामंत्री जी, आपसे पूछ रहे हैं हम। महाराज, गोपनीय तरीके से दूसरी शादी करने वाले पुरुष को तो 14 साल के कारावास का दंड दिया जाता है। नहीं महाराज, महाराज ऐसा मत कीजिए, महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज। हाँ महाराज, हमारा क्या अपराध है? हमारे साथ तो अन्याय होगा ना, हमारा पति हमसे मत छीनिए। यदि ये चले गए तो हमारा क्या होगा? हम है ना, अर्थात हम करते हैं न्याय। ठीक, हम तुम्हें 14 वर्ष का कारावास नहीं देते। तुम्हारा दंड ये है कि तुम आरंभा और सुलोचना अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में एक छत के नीचे रहोगे और इन दोनों के अत्याचार अर्थात इनके प्यार को सहोगी। यही तुम्हारे लिए दंड होगा। नहीं नहीं महाराज, महाराज ये अनर्थ है, ये दोनों तो पूर्व से शत्रु हैं और अपने इस विवाद में ये मेरी तो हत्या ही कर देंगे। महाराज महाराज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए महाराज। ये सब दूसरा विवाह करने से पूर्व सोचना था। यदि ये न्याय स्वीकार नहीं है तो हम तुम्हें कारावास में डाल देंगे। नहीं नहीं महाराज, नहीं महाराज। तो जाओ, विजयनगर में हम किसी भी स्त्री के साथ अन्याय नहीं देख सकते। तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय, तत्कालिक महाराज की जय। इतने बड़े पुरुष को कोई बिल्ली की भांति कमरे में बंद करके रखता है क्या? भूलो मत, मैं इस घर का पुरुष हूँ, मुझे कक्ष में बंद करते हुए लज्जा नहीं आती तुम दोनों को? अरे लोग क्या कहेंगे? यही सोचेंगे कि जो भी किया उचित किया। देखो मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है, मुझे इसी समय बाहर निकालो नहीं तो मैं तो क्या करेगा बता। शिव 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 शारदा, कैसे वार्तालाप कर रही हो तुम? अरे नहीं, शब्द हमारे हैं पर विचार अम्मा के हैं। तो बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मुझे कृपया यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, कदापि नहीं, तू अंदर ही रहेगा। अरे मेरा पुत्र भास्कर मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, पाप चढ़ेगा तुम दोनों को, पाप। नहीं 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 बाबू, मैं व्याकुल नहीं हूँ। आप जब से भीतर गए हैं जीवन में अत्यधिक शांति है। अम्मा, हम पूछ रहे थे कि किसकी भांति दिखता है, हमारी भांति क्या इनकी भांति? इसकी नाक देख, नहीं तीखी है, हमारे जैसी है ना? ना ना, नाक तो मेरे जैसी है, है ना भास्कर? नहीं, आपके जैसी भी नहीं है। इसकी आंखें देख, एकदम बादाम जैसी है, अति सुंदर, हमारे जैसी है ना अम्मा? क्यों नहीं शारदा महोदया, कभी आईने में अपनी सूरत देखी है? एक आंख दाएं जाती है तो एक आंख बाएं, ऐसे इनकी तरह दिखती है? नहीं, मेरी तरह दिखता है वो? आपकी तरह भी नहीं दिखता। इसका मुख देख, प्यारा सा छोटा सा मुख। हाँ वो मेरी तरह है ना अम्मा, है ना? नहीं, तो फिर हमारी तरह नहीं, तो फिर किसकी तरह दिखता है अम्मा? आप समझ में आया क्या? ये अपने दादाजी की तरह दिखता है, ये पुनः स्वर्ग से उतरे हैं मेरे लिए, मेरे प्रेम के लिए। अरे
बातें खत्म हो गई हो तो कुछ भोजन भी करा दो मुझे। कब तक भूखा रहूंगा मैं।